हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज 31 मई 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंट्रा स्टेट ई वे बिल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसकी हेडलाइन है रोल आउट ऑफ ई वे बिल सिस्टम फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स इन छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। यह प्रेस रिलीज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही हमने इस इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्दर रेफरेंस के लिए दे दिया है। फ्रेंड्स, इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के अनुसार ई वे बिल फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए रोल आउट हो चुका है 1 अप्रैल 2018 से, और एज ऑन 30 मई 2018 इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल इन स्टेट्स में सक्सेसफुली रोल आउट हो चुका है। और वे स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। साथ ही इन यूनियन टेरिटरीज में भी इंट्रा स्टेट ई वे बिल का रोल आउट हो चुका है, जो कि हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। और फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज के अंतर्गत ई वे बिल सिस्टम को इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए इन स्टेट्स में नोटिफाई किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, उड़ीसा एंड पंजाब में इंट्रा स्टेट ई वे बिल लागू होगा 1 जून 2018 से, जबकि तमिलनाडु में इंट्रा स्टेट ई वे बिल लागू होगा 2 जून 2018 से, और वेस्ट बंगाल में इंट्रा स्टेट ई वे बिल लागू होगा 3 जून 2018 से। और फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल इम्प्लीमेंट हो चुका था, और आज इस प्रेस रिलीज के द्वारा इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इंट्रा स्टेट ई वे बिल अब थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट हो जाएगा लेटेस्ट बाई 3 जून 2018 तक। यानी कि फ्रेंड्स, जिन भी स्टेट्स ने अभी तक इंट्रा स्टेट ई वे बिल के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, वो सभी स्टेट्स में ऑटोमेटिकली 3 जून 2018 से इंट्रा स्टेट ई वे बिल ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वैसे तो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस प्रेस रिलीज में आ चुके हैं, केवल दिल्ली का नाम यहाँ पर छूट रहा है, जिसको लेकर अभी इंट्रा स्टेट ई वे बिल से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर ये जारी नहीं किया गया है यहाँ पर, तो वह भी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 जून 2018 से। तो फ्रेंड्स, आप ये बात ध्यान में रखें कि ऑल ओवर इंडिया आप अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए 3 जून 2018 से आपको ई वे बिल जनरेट करना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स, यह थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज इंट्रा स्टेट ई वे बिल से रिलेटेड, जिससे हमने आपके साथ शेयर किया। और फ्रेंड्स, आपके कोई भी रिलेटिव्स या फिर निकटवर्ती बिजनेसमैन इन स्टेट्स में रहते हैं जहां पर इंटरेस्ट ई वे बिल इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो आप उन तक भी इस वीडियो के जरिए इस न्यूज को शेयर कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और फ्रेंड्स, इस तरह की लेटेस्ट न्यूज को हमारे चैनल पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।